हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडीएस केमिस्ट्री। यहाँ पे तीन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमको पता करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि आफ्टर प्रोटॉन रिमूवल जो एनायन जनरेट होता है उसकी स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये देखो तीन एनायन जनरेट हो गए। अब हमको देखना है हकल रूल। हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इस केस में क्या हुई है, इसकी प्लैनरिटी लॉस होकर के ये इस फॉर्म में बन जाता है। ये क्या है, नॉन प्लेनर। अच्छा, एरोमेटिक होने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ये अगर नॉन प्लेनर है तो ये आपका क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब आ जाइए 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। एरोमैटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एरोमैटिक। अब हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, एरोमैटिक, फिर नॉन एरोमैटिक, नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। तो इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे हम लोग एसिडिटी ऑर्डर बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकेंड वन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर